स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी ओप्पो A31 है तो कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। सबसे टॉप में आपको ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने से पहले आपको कोई भी पासवर्ड सेट करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कि आपने फिंगरप्रिंट लॉक सेट तो किया है लेकिन जो है आपका फिंगर जो है घिस जाता है, तो आपका फिंगर वर्क नहीं करता है। तो इस पर क्लिक करके हम देख लेते हैं कौन सा पासवर्ड है। यहाँ पे पैटर्न कोड है, 4 डिजिट पासवर्ड है, 4 से 16 डिजिट पासवर्ड है। अगर आपको पैटर्न लॉक सेट करना है या 4 डिजिट पासवर्ड सेट करना है तो आपको पहले कर लेना है। जैसे कि मैं कोई भी एक कर लेता हूँ। तो ये जो है मैंने डाल लिया है। और डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सबसे टॉप में राइट साइड में जो है। फिर दोबारा से आपको वही पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको फिंगर को अप्लाई करना है। इस तरह से देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बार बार फिंगर को अप्लाई करना है। आपको सही से हाथ को साफ कर लेना है। मेरा हाथ में जो है पसीना चल रहा है, देख सकते हैं। तो आपको अगर आपके भी हाथ में पसीना चलता है तो आपको सही से साफ कर लेना है। उसके बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अधूरा फिंगर जो है आपको पूरा कर लेना है। देख सकते हैं अधूरा फिंगर पूरा हो चुका है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको आप फिंगर लॉक से अपना पैटर्न लॉक खोल सकते हैं। तो आप इसी तरह से पैटर्न लॉक को, फिंगरप्रिंट लॉक को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूं, ये खुल चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।